पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। जो कार्य ईश्वर के नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर आरंभ करते हैं, जिस कार्य में ईश्वर को हम लोग आमंत्रित करते हैं, उसे ईश्वरी पूर्णता तक पहुंचा देता है, उसे ईश्वरी सफलता प्रदान करता है। आइए आज का यह शुभ दिन ईश्वर के पवित्र हाथों में समर्पित करें, हमारे सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें, ताकि ईश्वर हम पर और हमारे सभी कार्यों पर अपना आशीष प्रदान करें। आइए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए आइए हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धनी कुवारी मरियम से, सब स्वर्ग दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, जिस पुनरुत्थान का समारोह हमने मनाया है, उसका प्रभाव हम अपने जीवन में सदा अनुभव करते रहें, हमें यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। त्रोअस से चलकर हम नाव पर सीधे समतरियस, दूसरे दिन नियोपोलिस और वहां से फिलिपी पहुंचे। फिलिपी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्रित स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लिदिया था और वह तियात्रिया नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लिदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इसराइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वह नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें, डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता
और पद दलितों का उद्धार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं, वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हल्लेलुया प्रभु की जय जय जय। हल्लेलुया प्रभु की जय जय जय। हल्लेलुया प्रभु की जय जय जय। हल्लेलुया प्रभु की जय। हल्लेलुया प्रभु की जय जय जय। हल्लेलुया प्रभु की जय जय जय। हल्लेलुया प्रभु की जय जय जय। हल्लेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला है, वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा, और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे, इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही जिससे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में दो प्रकार के साक्ष्य के बारे में प्रभु येसु कहते हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा जो प्रभु येसु के विषय में साक्ष्य देगा, और दूसरा आप और मैं। वचन कहता है तुम लोग मेरे विषय में साक्ष्य दोगे। जब कोई आपको प्रभु येसु का चित्र दिखाएगा तो कहते हैं कि प्रभु येसु है, तो आपको अंदर से एहसास होगा कि यह चित्र उसका है जो प्रभु या ईश्वर के पुत्र का है, जो कि स्वर्ग से इस धरती पर हमारे लिए आया है, हमारे पापों के लिए उसने कष्ट सहा। इससे अनेक बातें हमारे अंदर से आ जाती हैं। ये बातें कहाँ से आती हैं, इसे कौन आपके हृदय में डाल रहा है? यह और कोई नहीं है बल्कि वही पवित्र आत्मा जिसे ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, और वह इन सभी सत्य को हमें अवगत कराएगा, इन सभी सत्य को हमारे मन में लाएगा, और वह प्रभु येसु के विषय में साक्ष्य देगा। दूसरा है, दूसरा प्रकार आप और मैं, यानी क्रिस्तियों का साक्ष्य। कैसे एक क्रिस्ती होने के नाते प्रभु येसु के विषय में साक्ष्य दे सकते हैं? यदि हम उसको नहीं जानते हैं, ठीक से नहीं पहचानते हैं, हम किसी के विषय में भी साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। यदि हमें प्रभु येसु के विषय में साक्ष्य देना है तो हमें उसके बारे में अच्छे से जानना है, प्रभु को जानना है। जिस प्रकार शिष्य लोग प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ चले, जब भी प्रभु ने कोई चमत्कार किया तो शिष्यों ने देखा, और शिष्य ने उनके साथ रहते हुए प्रार्थना किया, इस प्रकार शिष्य लोग प्रभु येसु के साथ रहे, प्रभु येसु के साथ बातें कर रहे थे और उनको अच्छे से जाने। उसी प्रकार यदि हमें प्रभु येसु के विषय में साक्ष्य देना है, हमें भी प्रभु येसु के साथ रहना होगा, प्रभु येसु के वचनों को सुनना होगा, प्रभु येसु के साथ मिलकर प्रार्थना करना होगा।
जैसे कि अभी हम लोग घर पर हैं तो प्रभु यीशु के साथ कैसे रहें, प्रभु यीशु को हमारे बीच में कैसे आमंत्रित करें, प्रभु यीशु के वचनों को कैसे सुने। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18:20 में वचन कहता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। ये प्रभु के वचन है, जहाँ पर दो या तीन प्रभु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ पर प्रभु यीशु उपस्थित हैं। और हम ज़रूर प्रभु यीशु के उपस्थिति को महसूस करते हैं जब हमारे परिवार के लोग एक साथ आकर प्रभु का नाम लेते हुए हम लोग प्रभु को बुलाते हैं तो प्रभु यीशु वहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु के वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी को हम लोग सुनते हैं, इस प्रकार हम प्रभु को जानेंगे, पहचानेंगे। दूसरा प्रकार है प्रभु को जानने के लिए, एक होता है आंतरिक विश्वास। वह आंतरिक विश्वास के बारे में संत पौलुस हमें समझाते हैं। वह कहते हैं कि रोमियों के नाम लिखे हुए पत्र में कहता है अध्याय 8 में, यदि ईश्वर हमारे साथ है हमारे खिलाफ कौन रहेगा, हमारे विरुद्ध कौन होगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है, उसके आंतरिक विश्वास में उसे दृढ़ बनाया है। गलातियों के नाम लिखते हुए कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं अब जीवित नहीं रहा, यह संत पौलुस का विश्वास है, आंतरिक विश्वास। और उसी विश्वास के साथ वह बाहर जाकर, दुनिया के सामने जाकर प्रभु यीशु के बारे में साक्ष्य देता है। और अंत में आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु यीशु मिशन यात्रा करते हुए एक नगर से दूसरे नगर, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जाता है। और इस प्रकार वह समारिया से चलकर फिलिप्पी नगर पहुंच जाता है और वहां पर वह देखता है कि एक भी प्रार्थना करने के लिए सभागृह नहीं है। वहां पर यहूदी लोग तो हैं लेकिन प्रार्थना करने के लिए उनके लिए सभागृह या मंदिर नहीं है। वे लोग नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ पर एकत्रित होते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जब संत पौलुस फिलिप्पी पहुँचा था वह एक विश्राम दिवस था, इसलिए वह भी नदी के किनारे जाता है ताकि वह भी जीवंत प्रभु को, प्रभु के विषय में साक्ष्य दे सके। जब वह नदी के किनारे जाता है वहाँ पर अनेक स्त्रियाँ रहती हैं और उनके साथ जाकर बातचीत करता है। वह साधारण बातचीत नहीं है बल्कि वह जीवंत या जीवित प्रभु के विषय में उनको बताता है। और उन स्त्रियों के बीच में एक स्त्री थी, उसका नाम था लुदिया, जिसके बारे में आज के पहले पाठ में हमने सुना। वह एक बहुत ही अमीर स्त्री थी क्योंकि वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती थी और वह इसलिए काफ़ी अमीर थी। वह प्रभु को जानती थी, वह ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। भले ही वह यहूदी नहीं थी फिर भी वह ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। जैसे ही उसने पौलुस को प्रभु यीशु के बारे में कहते हुए सुना, ईश्वर ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और वह ईश्वर पर विश्वास करते हुए बपतिस्मा स्वीकार करती है। ना सिर्फ वह बपतिस्मा स्वीकार करती है बल्कि उसके सारा परिवार भी बपतिस्मा स्वीकार करता है। और आज हम लोग इसी प्रकार प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए उसके विषय पर साक्ष्य देने के लिए हमें वचन बुलाता है। जिस प्रकार उस महिला ने, उस स्त्री ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखी और अपने द्वार खोलने के लिए तैयार रही, हृदय के द्वार खोलने के लिए, उसी प्रकार हमें भी प्रभु पर विश्वास रखना है और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। तभी ईश्वर हमारे हृदय को, द्वार को, हृदय के द्वार को खोल देगा और हम जाकर उसके बाद, प्रभु को जानने के बाद जाकर प्रभु यीशु के विषय में साक्ष्य दे सकते हैं। Come
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परमेश्वर यह उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर जिसे तेरी कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का अवसर दिया है, हम परलोक में परमानंद मना सके, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को येसु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु येसु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता येसु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु येसु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, ये की शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु येसु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाए, क्योंकि हे प्रभु,
मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। यीशु अपने शिष्यों के बीच आए और बोले, तुम्हें शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि कर। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान के अमरता और महिमा प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।